नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। अभी अभी मुझे विष्णु योगी ढाणी से राजू बाबू जी के यहाँ से एक रेस्क्यू कॉल आया है। राजू बाबू जी हमारे मेहरता रोड में पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं, वहाँ सर्विस करते हैं और ये इनका ढाणी आई हुई है और इनकी ढाणी के अंदर आप देख सकते हैं ये दीवार के पास में मार्बल रखा हुआ है, इसके नीचे एक बिग साइज का कोबरा बैठा हुआ है। तो मैं और मेरी टीम इसको रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे हैं। कुछ कारणवंश दोस्तों मैं अपनी रेस्क्यू टोंग वगैरह कुछ साथ में लेके नहीं आया हूँ और जूते भी पहन के नहीं आया, चप्पलों में आ गया हूँ। तो इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। पतलो काढ़ो घोचो लियो पतली गोचू गाल लियो। हाँ उतार खुली एट लाख बराबर है। हाँ प्रमा बटी ना आउंदो नटी ना आउंदो आवाज बो आयो बेड दे खापन दर आय गो बटी पूजड़ी पूजड़ी अटी ने पूजड़ी पूजड़ी दी के ऊपर सर से कदम चढ़ी तार गाड़ी चढ़ी तार ना डर ना 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 निकल जी। कोई प्लास्टिक रो डबो ले रहा हो मोटो। आप देख सकते हैं दोस्तों ये एक कॉमन कोबरा है, करीब 4 फीट इसकी हाइट है, बहुत ही हेल्थी कोबरा है। मैंने इसको करीब करीब रेस्क्यू कर लिया है और अब इसको डब्बे के अंदर पैक करेंगे और ले जाके एक सुरक्षित स्थान पे छोड़ देंगे ताकि घर वाले चैन से नींद ले सके। मैं घर वालों को बता देता हूँ इस तरीके के सांप बड़े खतरनाक होते हैं। और राजेश जी बाबू जी ने मुझे कॉल करके बहुत अच्छा किया, इतने बड़े सांप को मारा नहीं, इतने बड़े सांप की जान बचाई है। तो मैं राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं रेस्क्यू करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं था और आऊं जैसी स्थिति भी नहीं थी, मगर फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि ये मेरा फर्ज है। सांप की एक सांप की जान बचानी और एक डरे हुए परिवार को डर से बाहर निकालना मेरा धर्म है, इसलिए मुझे आना पड़ा। आज शाम 5 बजे मेरे ताऊ जी की डेथ हो गई थी, जिनका अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, उनकी लाश घर में पड़ी है, मगर फिर भी मैं रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी जीव की जान बचती है तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरा वीडियो देखने वाले सभी मेरे व्यूअर्स से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी ताऊ जी के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और दुआ करना उनको वापिस अच्छा जन्म मिल जाए। तो दोस्तों ज़्यादा समय खराब ना करते हुए मैं इसको रेस्क्यू कर लेता हूँ और दूर ले जाके जंगल में छोड़ूंगा।
काड़ो खोपड़ो कोनी रे बबू मन देवो रे जा रे तूफान कर बाबा पर हां ऊपर कौन सी बात है अब मैं थोड़ी देर होती है ना गड़े रुक जाओ आना जो रख ले आ जाओ आप आ जाओ बना दो बाबू जी अच्छा दोस्तों जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और अब दूर ले जाके इसको रिलीज कर दूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कभी चप्पलों के अंदर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आता हूं, मगर आज ऐसी स्थिति थी जिसके कारण मुझे टोंग वगैरह कुछ नहीं लेके आया हूं और ऐसे रेस्क्यू करने के लिए आया हूं और भगवान की कृपा से मैंने इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और अब दूर ले जाके इसको जंगल में छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत मेहरबानी की आपने, ये जीव बच गया और हमारी भी सुरक्षा हो गई, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। कोई बात नहीं बाबू जी, ये मेरा धर्म है और ये मेरा फर्ज है, तो दोस्तों बने रहिए रिलीज तक मेरे साथ, इसको ले जाके रिलीज करेंगे। यूट्यूब पे राज एमटीडी नाम से मेरा चैनल है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। अभी जो एक घंटे पहले मैंने विष्णु योगी ढाणी से राजू बाबू जी के वहाँ से जो कोबरा रेस्क्यू किया था इसको मैं इसके नेचर में जंगल में रिलीज करने के लिए आया हूँ, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, इसको इसके नेचर में रिलीज कर रहे हैं ताकि अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सके। पाचो लगन दे पीछे अच्छा दोस्तों मैंने इसको इसके नेचर में रिलीज कर दिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी की हेल्प करते हुए, किसी रेप्टाइल की जान बचाते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सावधान रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।